नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने डमी मतदान केंद्र का फीता काटकर किया उद्घाटन। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही जिला प्रशासन की तैयारियां भी अब अंतिम चरण में है। इस कड़ी में गोपालगंज के जिलाधिकारी अरशद अजीज ने डमी मतदान केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया है, जिसके बाद उन्होंने इस मतदान केंद्र का निरीक्षण भी किया तथा मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण ले रहे कर्मियों से कई सवाल भी पूछे तथा महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ये डेमो बनाकर उन लोगों ने आज ट्रायल किया है। उन्होंने बताया कि COVID-19 को लेकर इस बार तैयारियां कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ रही हैं, लेकिन सभी लोगों से अपील है कि मतदान केंद्रों पर ज़रूर आए, कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने हर केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क ग्लव्स की व्यवस्था की है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने पुनः लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालकर इस महापर्व को सफल बनाएं। बच्चों को घुमाना है कौन एक वोट के लिए लाइन में लगकर अपना समय बर्बाद करे। सॉरी, मैंने वोट नहीं, आप खरीद कर रही आपको फिल्म नहीं करना है, यहाँ पे अगर इंपैक्ट है उसका ऐसा है तो सैनिटाइज करके गलत फैक्ट लगाएगा तुमने। और थर्मादेश के भी उसका होता है, अगर वो उसका फीवर ज्यादा है तो वहाँ जो है एक बोलिए विधानसभा का निर्वाचन होने जा रहा है, उसी की तैयारी के सिलसिले में मेरे जितने भी मतदान कर्मी हैं सभी को एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग, सारी चीज़ की जानकारी, एक एक चीज़ की जानकारी देना आवश्यक है, तो उसको दी जा रही है। एक बार सभी को पहले भी हम लोगों ने रेफ्रेशर ट्रेनिंग दिया और पुनः आज उनका पहला ट्रेनिंग हो रहा है, फिर दूसरा ट्रेनिंग हो रहा है, जिसमें पूरा प्रोसेस उनको इलेक्शन का जो मतदान कर्मी उनको करना है पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है। साथ में चूँकि इस बार कोविड का मामला है तो कोविड को देखते हुए हम लोगों को काफ़ी इसमें अरेंजमेंट करना पड़ रहा है बूथ पर, ताकि ये जो बीमारी है इसका कोई संक्रमण इसके कारण नहीं हो। उसके लिए हम लोगों का केटी पर शुरुआत में ही, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है, तो गेट पर ही हम लोगों के वो डॉक्टर और उनके जो स्टाफ होंगे वो लोग बैठेंगे, स्कैनर लेकर थर्मल स्कैनर चेक करेंगे कि फीवर है कि नहीं। अगर किसी को फीवर है तो फिर उन्हें एक टोकन दे दिया जाएगा कि आप आखिरी समय में एक लास्ट में जो 5-6 के बीच में आएंगे तो आपको वोटिंग हो जाएगा, जब नॉर्मल वोटिंग खत्म होगी उसके बाद आपके आगे चलेंगे तो उनके लिए हम सैनिटाइज़र है, चूँकि अब उनको साइन करना है, पेन छूना है, मशीन छूना है, तो उसके लिए सैनिटाइज़र के साथ साथ ग्लव भी रखा गया है। उनको ग्लव दिया जाएगा और वो साइन करेंगे पेन से और फिर बटन दबाएंगे और उसके बाद में उस ग्लव को बाहर आकर के हम लोग का एक डस्टबिन है जिसमें रखेंगे वो डाल देंगे, फिर हम लोग उसको मेडिकल जैसे डिस्पोजल होता है करेंगे। तो हम लोग अच्छा दूरी भी डिस्टेंस भी काफ़ी बना के रखना होगा, 2-2 गज की दूरी बना के लाइन लगना है, अगर ज़्यादा आ गए तो उनके लिए बैठने के लिए एक
शेड वगैरह रखा जाएगा जहाँ की वो वेट कर लें। तो ये सारा इंतजाम किया जा रहा है कि कोविड में किसी को संक्रमण नहीं हो, संक्रमण से बच के और वोट डालें। सिर्फ एक ही है ट्रेनिंग सेंटर ही पर, ट्रेनिंग सेंटर पर तो हम लोगों ने बनाया अपने स्टाफ के लिए कि जो देंगे तो उनको कैसे बूथ तैयार करना है वो सीख लें। लेकिन पूरे ज़िला में हम लोग 14 रथ हर पंचायत में भेजे हुए हैं, जिसमें भी इसी तरह का मॉडल बूथ बना बना कर करके कोविड को देखते हुए वहाँ पर ग्रामीणों को भी और सभी मतदाताओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप इसमें सुरक्षित वोटिंग करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आए मास्क पहन करके आए और यहाँ पर आपको स्कैनिंग किया जाएगा, हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, उसके बाद मास्क ग्लव्स दिया जाएगा और सुरक्षित वोटिंग आपसे कराया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग पूरे ज़िले में 14 रथ निकाल करके और हर जगह जा जा करके पिछले 4 दिन से हो रहा है और अगला हम लोग 15 दिन कराते रहेंगे ताकि सभी लोग समझ लें कि एक बार बहुत सुरक्षित वोटिंग होना है और सभी लोग वोट डालें। फिर यही अनुरोध करेंगे सभी लोग वोट निश्चित रूप से डालें जितने भी मतदाता हैं और बिना डरे हुए डालें। कोविड है तो उससे हम लोगों को सुरक्षा भी प्रदान किया जा रहा है। बस हम यही कहेंगे कि सब लोग आप डालें वोट और सुरक्षित रहें। सर कितना घंटा दिया गया है जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा उन लोगों के लिए लास्ट? देखिए वो असल में यह है कि जैसे धूप है, धूप से चल के आएंगे तो ये माना जा सकता है कि उसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ जाए जी। तो फर्स्ट स्कैनिंग में हो सकता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर आ जाए, उनको शेड बना रहेगा वहाँ पर जाकर 10-15 मिनट वेट लेंगे ताकि उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ जाए, उसके बाद फिर से स्कैनिंग किया जाएगा। अगर उसके बाद भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये माना जाए कि उनको फीवर है, तो वैसे लोगों को कूपन दिया जाएगा। और जिनका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा बैठने के बाद तो फिर वो वोट डालें।